सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। पटियाला में निहंग सिखों का पुलिस टीम पर हमला, एएसआई का काटा हाथ, सात गिरफ्तार। स्पीड न्यूज़। पटियाला सन्नौर रोड पर सब्जी मंडी के मेन गेट पर कर्फ्यू पास के बारे में पूछने पर निहंग सिखों ने रविवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस टीम पर तलवार से हमला कर दिया। इस वारदात में एक एएसआई की कलाई कटकर अलग हो गई। थाना संदर्भ में प्रभारी बिक्कर सिंह सहित कुछ और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना के बाद निसंग सिख वहां से भाग निकले और बलमेड़ा रोड पर बने गुरुद्वारे खिचड़ी साहिबा में जाकर छिप गए। पंजाब पुलिस के कमांडरों ने गुरुद्वारे को घेर लिया और निहंगों को समर्पण करने की चेतावनी दी। कुछ देर की मशक्कत के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें एक महिला और 8 पुरुष थे। आप सभी को बता दें कि घायल एएसआई को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। एएसआई मनदीप सिंह सिंधु ने बताया कि एक गाड़ी में सवार होकर करीब 5 निहंग सब्जी मंडी पहुंचे थे, जहां मंडी के स्टाफ ने इनकी गाड़ी रोककर कर्फ्यू पास के बारे में पूछा, ताकि मंडी में बेवजह भीड़ ना हो। पास ना होने पर निहंगों ने सब्जी मंडी के स्टाफ से झगड़ा करते हुए पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड तोड़कर गाड़ी भगाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने इनकी गाड़ी को घेर लिया तो भड़के हुए निहंगों ने तलवार से पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस कर्मियों द्वारा सभी को हिरासत में ले लिया गया है। वैसे आप सभी का इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए अलविदा।